good evening dear students so sachi how are you fine very good so again uh, the number of students have dropped today i don't know what is the reason webber good evening

ओके अब जस्ट एज इन द केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर्स द एक्सचेंज डिसाइड्स दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओवर द एक्सचेंज डिसाइड्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट द ऑप्शन प्रीमियम बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम कौन डिसाइड करता है दैट इज बायर्स एंड सेलर्स सामने वाला तो कोई भी रेट रखेगा बाय करने का सेलर कोई भी रेट रख सकता है सेल करने का तो ऑप्शन प्रीमियम छोड़ के बाकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ईच ऑफ दीज रूल्स एंड रेगुलेशन आर डिसाइडेड बाय एक्सचेंज और हमारे यहां एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गई है फॉर ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन द कॉमन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आर डिस्कस बिलो द फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज याद रखना एक इंडेक्स का और हर एक स्टॉक का लॉट साइज अलग अलग होता है जैसे हम लोगों ने निफ्टी के बारे में बात किया था तो निफ्टी का लॉट साइज इज फिफ्टी शेयर्स। तो इसी तरीके से अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो उसका लॉट साइज अलग होगा अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो उसका लॉट साइज अलग होगा एंड दिस लॉट साइज इज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज तो एक्सचेंज क्या डिसाइड नहीं करता है दैट इज ऑप्शन प्रीमियम

जो इसके पहले हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का पूरा देखा था तो आपको 9, रुपीज का कॉल ऑप्शन है मतलब आप जुआ कितने का खेल रहे हो नाइन थाउजेंड टू एट्टी उससे आपका पैसा लगेगा नहीं देर इज लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड टोटल प्रीमियम फॉर पुट ऑप्शन जो ऊपर एग्जाम्पल दिया था उसमें पुट ऑप्शन का रेट चालू था वन ट्वेंटी फाइव रूपीज फिफ्टी पैसे इंटू फिफ्टी शेयर का एक लॉट है

अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हर हफ्ते इसका एक्सपायरी आता है थर्सडे एवरी वीक थर्सडे को इसका एक्सपायरी है अच्छा मंथ का एक्सपायरी कब होता है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ मन्त। मंथली एक्सपायरी कब होता है लास्ट थर्सडे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए या कौन सा ऑप्शन में जाना चाहते हो आप वीकली ऑप्शन आप खरीद बेच सकते हो आप मंथली ऑप्शन खरीद बेच सकते हो आप क्वार्टरली भी खरीद सकते हो बेच सकते हो ठीक है आप हाफ ईयरली भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो और आप थ्री क्वार्टरली भी खरीद सकते हो और बेच सकते हो तो देर आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल इन ऑप्शन ट्रेडिंग तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग साइकिल कौन कौन सी अवेलेबल है लेटर सी अच्छे से देखना बेटा

जितनी वेराइटी आपको फ्यूचर्स में नहीं मिलेगी उससे ज्यादा वेराइटी आपको ऑप्शन में मिलती है तो देखो क्या क्या है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स फॉलो अ थ्री मंथ ट्रेडिंग साइकिल मैंने पहले ही बताया था इन द मंथ फार मंथ नियर मंथ दस ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अच्छे से देखना बेटा जो हम लोगों ने देखा था कल उसी के आगे बता रहा है अच्छा ट्वेंटी फर्स्ट सेवेंटी वन का जो एग्जाम्पल था साची को मैं पूछना चाहूंगा कि उसको याद है या नहीं बेटा ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा था 30th बात है, वेरी गुड वेरी गुड बेटा तो जो कॉन्ट्रैक्ट दस ऑन सेप्टेंबर ट्वेंटी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग फॉर द नियर मंथ दप्टेंबर का अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट मंथ

लेकिन अब हम लोग स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे इंडेक्स ऑप्शन की बात कर रहे तो ये अंडरलाइन करके रखना दोनों का फर्क बता रहे बेटा इधर स्टॉक ऑप्शन में तीन वेराइटी अवेलेबल है वन मंथ कॉन्ट्रैक्ट टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट एंड थ्री मंथ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखो अब क्या क्या है इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रेक्ट आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग विथ वीकली एज वेल एज मंथली मेच्योरिटीज इंडेक्स ऑप्शन कैन बी ट्रेडेड फॉर सेवन सीरियल वीकली साइकिल्स

अवेलेबल तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास सात ऑप्शन अवेलेबल है सात हफ्ते अवेलेबल है सेवन वीक्स अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अब इसके अलावा क्या है देखो इसके अलावा दिस इज इन एडिशन टू द मंथली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब वीकली के अलावा मंथली भी है एक्सपायरिंग ऑन थर्टीएथ सेप्टेंबर ट्वेंटी एट अक्टूबर एंड ट्वेंटी फिफ्थ नवंबर तो टोटल दस हो गए सात वीकली और तीन मंथली यहां तक समझ में आया सबको आगे इंडेक्स ऑप्शंस इंडेक्स हाँ फिर से इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन नहीं बोल रहा है इंडेक्स ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल फॉर थ्री क्वार्टरली एक्सपायर एक्सपायरी मार्च जून सेप्टेंबर एंड दिसंबर साइकिल मतलब क्वार्टरली हर तीन महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है ठीक है द एक्सचेंज ऑल्सो मेक्स अवेलेबल लॉन्ग टर्म इंडेक्स ऑप्शन अगले चार साल तक के लिए अगले चार साल के ऑप्शन भी अवेलेबल है इतनी सारी वेराइटीज है ऑप्शन में फॉलोइंग द जून डिसम्बर साइकिल आफ्टर द थ्री क्वार्टरली एक्सपायर तो इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसमें बेटा किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज लेट बी नो raise your digital hands आगे बढ़े चलो एक्सपायरेशन डेट अबेर वीकली एक्सपायरी लास्ट थर्सडे दैट इज वीकली एक्सपायरी थर्सडे टू थर्सडे होता है मंथली एक्सपायरी ठीक है अच्छा नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी कब होगी अगले महीने की एक्सपायरी कब होगी लास्ट थर्सडे ऑफ द नेक्स्ट मंथ उसके अगले महीने की कब होगी दट इज थर्ड मंथ की मंथ की दट इज अगेन लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ तो वही चीज है एक्सपायरेशन डेट द डे ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू सीजेस मतलब खत्म हो जाता है फिनिश हो जाता है

अगर थर्सडे को कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो वेडनेसडे को होगी ना कि फ्राइडे को इन अवर एग्जाम्पल सिंस द लास्ट थर्सडे इज ऑल मंथली इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन दोनों इंडेक्स ऑप्शन हो या स्टॉक ऑप्शन हो विल एक्सपायर ऑन दैट डेट वीकली अगर हम लोग बात करें तो वीकली इंडेक्स ऑप्शन एक्सपायर ऑन द थर्सडे ऑफ ईच वीक

लास्ट थर्सडे या थर्सडे के दिन एक्सपायर होता है सिर्फ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लिख लेना कहीं कि बाकी जितने ऑप्शन हैं जितने फ्यूचर्स हैं सबकी सब एक्सपायर होते हैं थर्सडे के दिन सिर्फ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ये एक्सपायर होता है ऑन ये बेटा थोड़ा सा है याद रखना और मैं जितना बताते जा रहा हूं कि ये याद रखना मतलब मार्केट डाउन इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है इसके बाद है टिक साइज टिक साइज मतलब जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कम से कम कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा कम से कम मतलब कोई भी चीज अच्छे से सुनना कोई ऑप्शन पांच रुपए का चालू है तो पांच रुपए से ये कम से कम कितना बढ़ सकता है पांच रुपए पांच पैसे फिर और बढ़ने का होगा तो पांच रुपए दस पैसे तो इसमें जो चेंजेस आएंगे size, कम होने का तो रुपीज का फोर रुपीज नाइन्टी फाइव पैसे देन फोर रुपीज नाइनटी पैसे मतलब ये कभी भी फोर रुपीज नाइनटी थ्री पैसे दिखेगा नहीं फोर पैसे दिखेगा नहीं ये इन मल्टीपल्स ऑफ फाइव पैसे दिखेगा तो तो टिक साइज। अगर कोई ऑप्शन पांच रुपए चल रहा है तो उसके ऊपर कितना पांच रुपए पांच पैसे पांच रुपए दस पैसे पांच रुपए पंद्रह पैसे एंड गोज ऑन इन मल्टीपल्स ऑफ फाइव पैसे कम भी वैसे ही होगा फोर रुपीज नाइनटी फाइव पैसे फोर रुपीज नाइनटी पैसे फोर रुपीज एटी फाइव पैसे एटी पैसे एंड गोज ऑन मतलब आपको कभी भी ऑप्शन का प्राइज एट रुपीज नाइन्टी टू पैसे एट रुपीज नाइनटी वन पैसे नहीं दिखेगा या एट रुपीज दिखेगा या सेवन रुपीज नाइन्टी फाइव पैसे दिखेगा टिक साइज फॉर इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज फाइव पैसे so so well पांच पैसा इसके बाद फाइनल सेटलमेंट प्राइस अब याद रखना हम लोग अमेरिकन स्टाइल में नहीं है हम लोग यूरोपियन स्टाइल में है इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज या ऑप्शन चलता है वो इट वर्क्स ऑन यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन और यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन मीन्स वॉट इट विल एक्सपायर ऑन द डेट ऑफ मेच्यूरिटी एक्सपायरी के दिन ही आपका सौदे का जो भी हिसाब किताब है वो आखिरी दिन होगा भले आपने उसके पहले प्रॉफिट कमा लिया या लॉस कर दिया लेकिन जो भी सौदे का फाइनल सेटलमेंट होगा दैट फाइनल सेटलमेंट सेटलमेंट विल बी ऑन द एक्सपायरी डेट तो देखो अनलाइक द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दर इज नो डेली सेटलमेंट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्यों मालूम क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मार्क टू मार्केट है याद है कि भाई आ, साची आपको लॉस हो गया दस हजार रुपए भेजो टेन परसेंट मार्जिन मेंटेन रखना है यहां कोई मार्जिन मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है तो यहां डेली सेटलमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है नो डेली सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो सिंस ऑल एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इन इंडिया आर यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन द एक्सरसाइज एंड असाइनमेंट ऑफ दीज ऑप्शन इज परमिटेड ओनली ऑन द एक्सपाइरेशन डेट द फाइनल सेटलमेंट मैंने पहले ही बताया फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक ऑप्शन इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द इंडेक्स और स्टॉक इन द कैश सेगमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो जो भी हिसाब किताब होगा वो लास्ट ट्रेडिंग डे पे होगा उसके पहले नहीं होगा याद रखना दीज आर थियोरिटिकल दीज आर ऑल थियोरिटिकल कंसेप्ट मैंने अगर ऑप्शन में कमाया तो भाई मेरे को पैसा जल्दी मिल जाता है वो लास्ट ट्रेडिंग डे तक कोई रुकता नहीं है लेकिन थियरी में अपने को क्या बोला है जो बोला है वही मानने का ओके लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दी सेशन यहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कंसेप्ट जो नहीं समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं अब ट्रेडिंग आज सबको मालूम है मार्केट सवेरे सवा सब नौ बजे से चालू होता है साढ़े तीन बजे खत्म होता है सवा नौ बजे स्टार्ट होता है साढ़े तीन बजे खत्म होता है मंडे टू फ्राइडे हाँ सिर्फ दिवाली के दिन इवनिंग में होता है मुहूर्त पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं शेयर मार्केट आप लोगों को बता दो लक्ष्मी पूजन के दिन भी ओपन रहता है लेकिन ओनली फॉर वन वन एंड हाफ आवर्स ठीक है कई लोग बोलते हैं ऐसा खासकर शेयर मार्केट में कि भाई जिस दिन लक्ष्मी पूजन होती है जिस दिन दिवाली की पूजा होती है उस दिन थोड़े बहुत शेयर एक शेयर दो शेयर पांच शेयर खरीद लो तो ऐसे भी लोग हैं जिसको हम लोग मुहूर्त ट्रेडिंग बोलते हैं उस दिन मुहूर्त रहता है वो मुहूर्त के टाइम पे ही एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए मार्केट ओपन होता है तो देखो ट्रेडिंग आवर्स नॉर्मली ट्रेडिंग आवर्स कब का है द इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रेडेड ड्यूरिंग द नॉर्मल मार्केट आवर्स बिटवीन नाइन फिफ्टीन ए एम मॉर्निंग And 3:30 PM in the afternoon from Monday to Friday, the exchange publishes एक्सचेंज list. हर Bombay Stock Exchange as well as National Stock Exchange साल चालू होने के पहले जनवरी आने के पहले अब जैसे जनवरी 2023 आएगा तो उसके पहले लिस्ट निकाल देंगे कि भाई इस दिन ट्रेडिंग नहीं होगा उस दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा तो देखो द एक्सचेंज पब्लिश पब्लिश ऑफ एनुअल ट्रेडिंग हॉलीडेज एंड क्लियरिंग हॉलीडेज फॉर द इनफॉर्मेशन ऑफ द मार्केट पार्टिस यहां तक ठीक है अब मनीनेस इन एन ऑप्शन कहा पैसा है और कहा पैसा नहीं है मनीनेस बेटा ये तीनों बहुत 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 बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है यह तीनों कंसेप्ट जो आप लोग देख रहे हैं इन द मनी मार्केट एट द मनी मार्केट एंड आउट ऑफ द मनी मार्केट ये तीनों अगले चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन द मनी मार्केट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन द मनी मार्केट अगर आपके पास पेंसिल स्केल या ऐसा कुछ लिखने के लिए हो तो लिख लेना जबी भी स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस हायर देन द स्ट्राइक प्राइस मतलब इन द मनी मार्केट है एग्जाम्पल बता रहा हूं कल हम लोगों ने देखा था 17,500 का स्ट्राइक प्राइस मैंने 17,500 के स्ट्राइक प्राइस पे पैसा लगाया कि ये भागेगा ठीक है और जो स्पॉट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 17,550 चल रहा है दैट इज हाइयर स्ट्राइक प्राइस से हाइयर चल रहा है स्पॉट प्राइस दैट इज इन द मनी मार्केट इसमें आपके कमाने के चांसेस है इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं देर इज सम वैल्यू लिख लो क्योंकि स्पॉट प्राइस इज हाइयर देन द स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं इन द मनी मार्केट बिकॉज देर इज सम इंटरेंसिक वैल्यू वैल्यू मतलब जितने लोग इन द मनी वाले रहेंगे उसमें कमाने के चांसेस ज्यादा हैं या कमाई हो सकती है हालांकि ये तीनों जुआ है मैं पहले ही बोल चुका हूं ऑप्शंस मतलब जुआ आप बेटिंग लगा रहे हो तो इन द मनी मार्केट मतलब वेन एवर स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन और हाइयर देन स्ट्राइक प्राइस बी कॉल इट एज इन द मनी मार्केट ठीक है लेकिन बेटा ये स्पॉट प्राइस अच्छे से सुनना बेटा इसमें एक एक ट्विस्ट है स्पॉट प्राइस इज हाइयर देन स्ट्राइक प्राइस, ये सिर्फ कॉल के लिए पुट में उल्टा हो जाएगा पुट में क्या होगा स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस तो क्या आप मंदी कर रहे हो सत्रह हजार पांच सौ चल रहा है और मैंने पुट लिया मतलब स्ट्राइक प्राइस सत्रह पांच सौ है लेकिन स्पॉट प्राइस उससे नीचे है सत्रह हजार चार सौ तो मैं इन द मनी मार्केट हूं मतलब मेरा फायदा होना तय है ठीक है डिपेंड करता है आप एंट्री कब कर रहे हो और एग्जिट कब कर रहे हो तो देखो अब मैं रीड कर रहा हूं अगर आपके पास पेंसिल और बाकी लिखने के लिए हो तो आप लोग ने लिख लिया होगा तो इन द मनी मार्केट दिस ऑप्शन वुड गिव द ऑप्शन होल्डर अ पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉफिट होगा इफ इट वेर एक्सरसाइज इमीडिएटली अगर आप ताबड़ तो एक्सरसाइज करो सोचो ना यार सत्रह हजार पांच सौ अच्छे से सुनना बेटा आज आज मार्केट चल रहा है सत्रह हजार पांच ठीक है और मैंने पैसा लगाया है स्ट्राइक प्राइस सत्रह हजार पांच सौ पे स्पॉट एंड स्ट्राइक प्राइस बोतार सेम कल के दिन टुमारो जब मार्केट खुलता है और मेरा स्पॉट प्राइस सत्रह हजार पांच सौ के जैसे जैसे ऊपर जाएगा आई विल बी अर्निंग प्रॉफिट यस क्योंकि मैंने बैटिंग लगाई थी सत्रह हजार पांच सौ के ऊपर जाएगा और सही में मार्केट सत्रह हजार पांच सौ के ऊपर जा रहा है तो आई विल बी अर्निंग प्रॉफिट अब सेम चीज उल्टा होगा एट द टाइम ऑफ पुट लेकिन पहले कॉल ऑप्शन देख लो ए कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी आई टी एम वेन स्पॉट प्राइज अंडरलाइन करो स्पॉट प्राइज इज हायर देन स्ट्राइक प्राइज अब पुट ऑप्शन के लिए उल्टा है

मैंने इसके लिए बोला था कि ये लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है देखो ये पुट वाला है ऊपर और उसके ऊपर कॉल वाला है ये देखो सत्रह हजार पांच सौ का स्ट्राइक प्राइस लेकिन क्लोज हुआ सेवनटीन थाउज़ेंड फाइव सिक्स वॉट इज इट इंडिकेटिंग स्ट्राइक प्राइस कम है और स्पॉट प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा ठीक है और यहां देखो स्ट्राइक प्राइस सत्रह हजार पांच सौ मैंने पुट लिया है पुट मतलब नीचे जाना चाहिए लेकिन मार्केट स्पॉट प्राइस ऊपर चले गया तो मेरा लॉस होएगा इसी चीज की बेटा नीचे बात कर रही है समझ में आया आपको इन द मनी मार्केट समझ में आया याद रखना इसमें इंट्रेंसिक वैल्यू है ये लिख के रखो इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शन में होता है बाकी दोनों में इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ नहीं है फायदा कुछ नहीं है बाकी दोनों में टाइम वैल्यू है जो सेकंड और थर्ड हम लोग जो देखने वाले एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी इसमें टाइम वैल्यू है मतलब टाइम दे रहे हो अगर बढ़ गया तो बढ़ गया नहीं बढ़ा तो खत्म तो पैसा किसमें इन द मनी में पैसा ज्यादा इसके लिए ऑप्शन में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग किसमें होगी इन द मनी इन द मनी है और कुछ नहीं नाउ एट द मनी मतलब क्या इसमें आप सेकेंड लाइन के आखरी में अंडरलाइन कर लो स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस व्हेन स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस, इट इज एट द मनी बराबर है मतलब देर इज जीरो कैश फ्लो ना प्रॉफिट ना लॉस वी कैन से इट अ ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस अब टाइम बताएगा कि इसमें मैं कमा पाऊंगा कि नहीं इसके लिए ये टाइम वैल्यू है याद रखना पहले वाले में इंट्रेंसिक वैल्यू होता है इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू होता है यहां टाइम वैल्यू है मतलब सब टाइम के ऊपर छोड़ दिया आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि हीरो या हीरोइन बेचारे ऑपरेशन थिएटर में और डॉक्टर आके बोलता है आप तो सब भगवान भरोसे है तो दैट इज एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी तो एट द मनी रीड करते हैं एटीएम एट द मनी ऑप्शन वुड लीड टू जीरो कैश फ्लो नो प्रॉफिट नो लॉस जीरो कैश फ्लो इफ इट वेर एक्सरसाइज इमीडिएटली देर फोर फॉर बोथ कॉल एंड पुट एटीएम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस ये बेटा याद रखना छोटी छोटी चीजें हैं इसको पूछा जाता है मैंने पहले बताया तीनों कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट इसके ऊपर एक क्वेश्चन कम से कम हंड्रेड परसेंट आएगा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन द मनी एट द मनी आउट ऑफ द मनी तो ये टाइम वैल्यू के ऊपर है तीसरा आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स अच्छा मेरे को एक चीज बताओ अगेन um, साची आई विल बी आस्किंग यू

भाई अठारह हजार पे तो निफ्टी चल रहा है और आप पैसा लगा रहे हो अठारह हजार के जगह पे सत्रह हजार पांच में कोई नहीं मिलेगा आउट ऑफ द मनी है दूसरा एग्जाम्पल ठीक है कि निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस या स्पॉट स्पॉट चल रहा है सत्रह हजार पांच स्पॉट स्पॉट प्राइस फिलहाल जो चल रहा है मार्केट क्या चल रहा है सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और आप नीचे खरीद रहे हो या ऊपर खरीद रहे हो नो सिक्सटीन थाउजेंड वाला खरीद रहे हो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउट ऑफ द मनी है यार पैसा है ही नहीं उसमें पैसा कहां है इन द मनी में पैसा है एट द मनी मतलब इक्वल भगवान भरोसे जीते तो जीते गए तो गए लेकिन आउट ऑफ द मनी चांस ही नहीं वो भी टाइम वैल्यू के ऊपर है अगर आपका नसीब बहुत जोरदार चमका तो थोड़ा बहुत कमा लोगे नहीं तो कमाने के चांसेस बहुत कम है अब सेम चीज पुट के लिए मार्केट चल रहा है एटीन थाउजेंड पे और आप पुट खरीद रहे हो सत्रह हजार पांच सौ का पांच सौ का डिफरेंस है तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है आउट ऑफ द मनी लेकिन लेकिन टाइम वैल्यू है ना अच्छे से सुनना टाइम वैल्यू है सच्ची में मार्केट गिर गया सपोज आ गया अब सोचो मोदी को अटैक आया मार्केट गिर नहीं है अब आपने तो आउट ऑफ द मनी लिया था लेकिन वो अठारह हजार का मार्केट साढ़े सत्रह हजार आ गया तो आप आउट ऑफ द मनी से डायरेक्ट इन द मनी मार्केट में आ गए क्योंकि अब मैक्सिमम लोग ट्रेड किस पे करेंगे अठारह हजार पे या सत्रह हजार पांच सौ पे सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वही चीज आउट ऑफ द मनी मार्केट है इसमें अगर आपकी किस्मत जोरदार रही तो वह कमा पाओगे अगेन इट डिपेंड्स ऑन टाइम वैल्यू देखो इसमें क्या बोल रहे हैं। अच्छे से सुनना बेटा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन इज वन विध स्ट्राइक प्राइस वर्स वर्स देन द स्पॉट प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ ऑप्शन वर्स दोनों में जमीन आसमान का फर्क है इन अदर वर्ड्स दिस ऑप्शन वुड गिव अ होल्डर ए नेगेटिव कैश फ्लो एक्सरसाइज इमीडिएटली अगर आप इमीडिएटली एक्सरसाइज करोगे खरीद के बेचोगे तो आपको लॉस होने के चांसेस ना कि वी आर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आप नाइनटीन ट्वेंटी टू के कपड़े पहनोगे तो आउटडेटेड है और टू थाउजेंड वन ट्वेंटी टू के कपड़े पहनोगे तो बहुत ज्यादा फैशनेबल है अभी चल ही नहीं रहा है वो ठीक है तो वही चीज है तो देखो क्या बोल रहे हैं कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी ओ टीएम कब कॉल वाला कॉल वाला कब ओ टीएम स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस अच्छे से अंडरलाइन करके रखो लेकिन गैप बहुत ज्यादा है बेटा याद रखना वेन स्पॉट प्राइस इज लोअर देन स्ट्राइक प्राइस सत्रह हजार पांच सौ और नीचे सत्रह हजार बहुत फर्क है एक ही दिन में पांच सौ पॉइंट बढ़ना इतना आसान नहीं है ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी जो एग्जाम्पल ऊपर देखा था आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन इसमें सबसे पहले बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तीनों में से किसी में भी नहीं है तो आगे बढ़े वन no अब बात करेंगे अबाउट इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू अभी अभी बताया ना रे मैंने कौन सा कंसेप्ट इंटरेंसिक वैल्यू रखता है तीनों में से इन द मनी इन द मनी में इंट्रेंसिक वैल्यू है बाकी दोनों भगवान भरोसे है टाइम वैल्यू तो वही चीज है देखो ऑप्शन प्रीमियम डिफाइंड अबिस्ट ऑफ टू कंपोनेट दो कंपोनेंट होते हैं कोई भी ऑप्शन जो ऊपर तीन दिए है उसमें से इंट्रेंसिक वैल्यू सिर्फ एक में है बाकी दोनों में टाइम वैल्यू है तो मैं सिर्फ इंटरेंसिक वैल्यू आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है या आप लोग रीड कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू रीड जस्ट गो थ्रू इट ठीक है द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन रेफर्स टू द अमाउंट विच बाय ऑप्शन इज इन द मनी That is the amount and option buyer will realize profit kamayega before adjusting for premium pay. If he exercise the option instantly, therefore, only in the money option. Thikhe, therefore, only in the money option have intrinsic value, whereas at the money and out of the money options have zero intrinsic value. द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कैन नेवर बी नेगेटिव ये अंडरलाइन करके रखना है इंट्रेंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ रीड कर लो सेकेंड पॉइंट सेकेंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ और इसके बाद का फोर्थ पैराग्राफ जस्ट गो थ्रू इट एस माइनस एक्स समझ में आ रहा है स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस Completed. Please go through time value also. ATM and otm mein sirf में सिर्फ chalega intrinsic चलेगा hai nahi है नहीं उसमें ज्यादा कुछ फिर उन्होंने हमारे एग्जाम्पल का जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था उसके बारे में उन्होंने बताया एग्जाम्पल दिया हो गया कंप्लीटेड आगे बढ़े अब अच्छा पहले ये बताइए टाइम वैल्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज रेज डिजिटल हैंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं फिर पे ऑफ ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन लॉन्ग पोजिशन मतलब कॉल शॉर्ट पोजिशन मतलब सेलिंग ठीक है लॉन्ग पोजिशन में यू हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन फर्स्ट थिंग आपका लिमिटेड लॉस है अनलिमिटेड प्रॉफिट है बराबर है और प्राइस किस हिसाब से फ्लक्चुएट होगा प्राइस बढ़ेगा या कम होगा किस हिसाब से ड्यू टू द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग बढ़ेगा तो हमारा कॉल का प्राइस भी बढ़ेगा अंडरलाइंग होगा तो हमारे कॉल का प्राइस भी कम हो जाएगा तो वही है देखो बायर ऑफ एन ऑप्शन अब देखो लॉन्ग पोजिशन एंड शॉर्ट पोजिशन शॉर्ट पोजिशन मतलब राइटर शॉर्ट पोजिशन मतलब राइटर जो शॉर्ट कर रहा है लॉन्ग पोजिशन मतलब बायर कल का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो कॉल खरीदो या पुट खरीदो तो आप लॉन्ग पोजीशन कर रहे हो कॉल खरीदा या पुट खरीदा लॉन्ग शॉर्ट मतलब मनीष राय शॉर्टिंग वो कॉल भी बेच रहा था और पुट भी बेच रहा था तो मनीष राय को लिमिटेड लॉस है या अनलिमिटेड लॉस है इट इज अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा लोग अगर आप लोग किसी लेक्चर में वैसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लेक्चर्स अटेंड करें लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है तो ये प्लीज रिकॉर्डेड चीजें हैं रिकॉर्ड आप देख के और कम से कम फाइंड आउट कर सकते हो कि कल क्या था लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग रेगुलर लेक्चर्स बैठे क्योंकि कल के या परसों के प्रॉब्लम्स में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो समझ में आ रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिपीट These तो अच्छा होगा कि आप लोग लेक्चर्स अटेंड करें और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सॉर्ट आउट करें तो लेट अस रीड विथ लॉन्ग ऑप्शन एंड शॉर्ट ऑप्शन बायर ऑफ एन ऑप्शन भले आप कॉल खरीदो या पुट खरीदो कुछ भी खरीदो इज सेट टू बी लॉन्ग द ऑप्शन एज डिस्क्राइब्ड अब ही और शी वु हैव द राइट एंड नो ऑब्लीगेशन विद रिगार्ड टू बाइंग और सेलिंग द अंडरलाइंग एसे इन द कॉन्ट्रैक्ट वेन यू आर लॉन्ग इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू द राइट टू एक्सरसाइज दिगेशन नहीं है दूसरा प्रीमियम आपका लॉस लिमिटेड है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है प्रॉफिट वुड डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी और एक्सरसाइज ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट तो ये तीन चीज है लॉन्ग ऑप्शन में शॉर्ट ऑप्शन में थोड़ा सा अलग है

Would have obligation but no right with regard to selling or buying the underlying asset in the contract. When you are short, that is the writer of an equity option contract. Your maximum profit is the premium received. Upka maximum profit limited premium pay kiya. You can be assigned an exercise option anytime during the life of option contract. In case of American options, like in all options, writers should be aware. असाइनमेंट इज अ डिस्टिंग पॉसिबिलिटी मतलब क्योंकि आप उल्टा चल रहे हो अनलिमिटेड पैसा तो कोई अकाउंट में डालेगा नहीं लेकिन फिर भी लोग अनलिमिटेड पैसे अकाउंट में डाल के और काम करते हैं मतलब दस रुपए की चीज के जगह पे यू you नो know, दस हजार रुपए डाल के रखेंगे अकाउंट में क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट है इसके अनलिमिटेड लॉस है इसके लिए योर पोटेंशियल लॉस इज थियोरेटिकली अनलिमिटेड एज डिफाइंड अब एक एक करके देखेंगे लॉन्ग कॉल लॉन्ग कॉल मतलब सत्रह हजार पांच सौ का आपने खरीदा स्ट्राइक प्राइस क्या था सत्रह हजार पांच सौ आपने बेट लगाया और मार्केट सच में ऊपर चले गया सेवनटीन थाउजेंड फाइव सिक्सटी टू तो आप प्रॉफिट कमाओगे दैट इज लॉन्ग कॉल वही चीज है जो अपन ने लॉन्ग ऑप्शन देखा है वही लॉन्ग कॉल है विथ एग्जाम्पल अब बेटा लोग यहां से शुरू हो रहा है ये कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं अप टू पेज नंबर फिफ्टी सिक्स आप लोग सिर्फ देखिए पे ऑफ कैसा चल रहा है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं लॉन्ग कॉल ठीक है मतलब आपने कॉल बाय किया है अब मैं अगर कॉल बाय कर रहा हूं मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट बढ़ेगा या कम होएगा मार्केट बढ़ेगा है ना अब देखो इसमें सत्रह हजार यह पूरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है आप ये चार्ट देखिए आपने कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम किया सत्रह हजार पांच सौ ठीक है प्रीमियम आपने कितना पे किया नाइनटी फाइव प्रीमियम आपने कितना पे किया 95 आपने 95 फाइव डाला याद रखना मैं चलो साची का एग्जाम्पल दे रहा हूं बोलती है भाई 90 एग्जाम्पल फिर से सुनना मैं फिर से एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं मनीष राय इज अ ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग है साची इज माई क्लाइंट साची एक दिन ऑफिस आती है और ऑफिस बोलती है हाँ मनीष सर सत्रह हजार पांच सौ का कॉल बताओ क्या रेट चालू है मैं बोलता हूं भाई सत्रह हजार पांच सौ का कॉल का रेट नाइन्टी फाइव रुपीज चालू है प्रीमियम कितना चालू है नाइनटी फाइव रुपीज साइंटी फाइव दिया खरीदो मेरे को मालूम है मार्केट ऊपर जाएगा अब मेरे को बताओ सत्रह हजार पांच सौ से जो स्ट्राइक प्राइस है मार्केट अगर गिरने लग गया सत्रह हजार चार सौ हो गया सत्रह हजार तीन सौ हो गया सत्रह हजार दो सौ हो गया या सत्रह हजार एक सौ हो गया तो साची का कितना लॉस है मैक्सिमम नाइनटी फाइव यस और नो दर शेहर है पर शेयर नाइनटी फाइव लेकिन साची ने जैसे ही सत्रह हजार पांच सौ का कॉल खरीदा नाइनटी फाइव रुपीज में और वो बढ़ने लग गया अब देखो बढ़ने लग गया सत्रह हजार छह सौ हो गया तो फाइव रुपीज का हंड्रेड हो गया मतलब पांच रुपए फायदा रहा है टेबल में पांच रुपए फायदा हो गया जैसे ही सत्रह हजार सात सौ हुआ क्योंकि उसने कॉल खरीदा था तेजी में थी वो बुल मार्केट में थी जैसे ही वो 95 फाइव सत्रह हजार सात सौ होता है रेट हो जाता है दो 95 नाइन्टी फाइव रुपीज वाला दो हो गया तो दो सौ माइनस फाइव जो उसने इन्वेस्ट किया था एक सौ पांच रुपए फायदा रेट और बढ़ गया सत्रह हजार आठ सौ हो गया तीन सौ रुपए का रेट हो गया तीन सौ में से उसने पैसे कितने डाले थे नाइन्टी फाइव रुपीज तो उसका प्रॉफिट हो गया दो सौ पांच रुपए दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन ये पूरा की पूरा टेबल सॉरी ऊपर के जितने पैराग्राफ हैं वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या बेटा ये टेबल समझ में आया प्लीज लेट मी नो क्या आपको ये टेबल समझ में आया तो ब्रेक इवन कब है सत्रह हजार पांच सौ पे ब्रेक इवन है उसके नीचे गया तो लॉस उसके ऊपर गया तो प्रॉफिट सेम चीज बेटा एक्सप्लेन किया है इन द डायग्राम देखिए आप पे ऑफ का डायग्राम। सत्रह हजार छह सौ पे हम जीरो मान के चल रहे हैं लेकिन उसके पहले देखो नाइनटी फाइव रुपीज आपका लॉस सत्रह हजार छह सौ से आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन समझ में आया इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यस yes, वैभव को कुछ पूछना है यस yes, वैभव सर hmm. सर अगर हमने सेवेंटीन सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में, में कॉल खरीदा और उसके बाद समझो रेट सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड हो गया तो माइनस नाइनटी फाइव माइनस नाइनटी फाइव प्लस करके ब्रोकर था एंजल ब्रोकिंग का मेरा ऑफिस है साची साची ने आके क्या बोला सर ये सत्रह हजार पांच सौ का कॉल खरीदो क्या रेट चल रहा है मैंने बोला 95 फाइव रुपीज ठीक तो उसने मेरे को 95 फाइव रुपीज दे दिया मैंने उसका बेट खेल दिया अब उसका लॉस कितना होएगा? 95 मार्केट कितना भी नीचे जाए 95 सर so तो फिर लिए... सौदा कट कैसे होगा का कट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए आप इसके पहले के लेक्चर नहीं आया था ना सर बाहर गया था हाँ इसके लिए क्योंकि है ना इसके लिए बोला जाता है कि कॉल ऑप्शन जो है देप्शन जो होते हैं उसमें राइट है लेकिन नहीं है ठीक है मतलब आप खरीद सकते हो बेचने की जरूरत नहीं है अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से कि एक बार सिर्फ मेरे बोलने पे टेबल समझ में आ गया आपको डायग्राम भी समझ में आ गया मैं चाहूंगा बेटा आप लोग ये एक्सप्लेनेशन एक बार रीड करें द रीजन फॉर दैट इज वैभव जैसे जितने स्टूडेंट्स रहेंगे ना सबकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी ठीक है

साची बोले कि नहीं नहीं अभी टाइम है आज तो बावीस सितंबर है तीस सितंबर को तो टाइम है रुकेगी अब धीरे धीरे हो सकता है वो जीरो रुपीज हो जाए या हो सकता है बढ़ भी जाए तो यहां राइट है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है मतलब आप खरीद सकते हो बेचना जरूरी नहीं है बेचना किसके लिए जरूरी है राइटर के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में जा रहा है जो मैंने कल समझाया तो मैं चाहूंगा बेटा एक बार है ना वैभव ये पूरा ईमानदारी से अच्छे से पढ़ नहीं समझ में आया तो फिर पूछ आई एम हियर टू एक्सप्लेन इट टू यू नो प्रॉब्लम तो सबसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ये लॉन्ग कॉल वाला पूरा पढ़ लो तो बाकी है ना चीजें नीचे जो दी है इसके बाद वाली वो सब इजी हो जाएगी प्लीज गो थ्रू इट सर आप ये एक्सप्लेन करो ना वापस क्या yeah. ये जो फर्स्ट पैरा है इतना अच्छे से नहीं समझा बेटा इसके लिए ना पुराना वीडियो देखो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप एक भी लेक्चर मिस करोगे आगे का कुछ नहीं समझ में आएगा अब प्रॉब्लम ये है कि आई हैव लिमिटेड टाइम है ना अब इसमें अगर मैं आपको पुरानी चीजें फिर से बताऊंगा तो मैं आगे की चीजें कब बताऊंगा सर तो मैं वीडियो मांग लेता हूँ फिर यस yes, बेटा वीडियो मांग लो तो जो क्वेरीज रहेगी वी कैन सॉर्ट इट आउट नो प्रॉब्लम ओके सर थैंक यू सर मोस्ट वेलकम बाकी लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा याद रखना आपको टेबल के नीचे तक पढ़ना है बस डायग्राम के नीचे तक नहीं after completing please raise your hands digital hands so that i can come to know that you have completed the reading याद रखना अगर आपको थोड़े इसमें ही कंसेप्ट समझ में आ गया तो पूरा पढ़ो मत अगर थोड़े से इसमें कंसेप्ट समझ में आ गया तो डोंट यू नो गो थ्रू ऑल द थिंग्स क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी होती है जो है ना हमको हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है लेकिन फिर बाद में है ना ज्यादा रीड करने के बाद है ना और कंफ्यूज हो जाते हैं कंसेप्ट अगर क्लियर है क्योंकि जो चीज इन्होंने चार पैराग्राफ पांच पैराग्राफ में बताई है मैंने सिर्फ टेबल में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आपने सत्रह हजार पाँच सौ का कॉल लिया तो सत्रह हजार छ सौ पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पांच रुपए पे आएंगे लेकिन उसके बाद प्रॉफिट होते जाएगा अगर मार्केट नीचे गिर गया तो लॉस है Completed? Raise your digital hands if you have completed, please. only 4 participants had raised their hands what about rest of the students बाकी स्टूडेंट्स चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग थैंक यू वेरी मच अब दूसरा कंसेप्ट जो है अभी हम लोग ने कॉल को लॉन्ग किया था लॉन्ग किया था मतलब खरीदा था अब सेकंड वाला क्या है शॉर्ट कॉल कॉल को अगर आप शॉर्ट कर रहे हो कॉल को अगर आप बेच रहे हो तो याद रखना यू आर नॉट अ बायर ओवर यर यू विल बी अ राइटर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो जहां अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट लेटर सी विद हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल अगेन मैंने क्या किया है कॉल को शॉर्ट किया है साची आई थी साइंटी फाइव पे कॉल खरीदा था मिस्टर एक्स है मिस्टर एक्स ने वो कॉल बेचा है नाइन्टी फाइव रुपीज में अब उसने बेचा बराबर है कॉल को शॉर्ट किया है अब मेरे को देखो इधर टेबल पे सत्रह हजार पांच सौ का स्ट्राइक प्राइस है और उसने कॉल बेचा है मतलब वो मंदी कर रहा है मंदी मतलब वो उल्टा चल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट सत्रह हजार पांच सौ से कम होगा तो सत्रह हजार पांच सौ या उससे कितना भी कम हो मार्केट अप टू द एक्सपायरी डेट उसकी कमाई सिर्फ नाइनटी फाइव रुपीज है जो साची ने पे किया था लिमिटेड प्रॉफिट जबकि अगर मार्केट बढ़ रहा है सेवनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड तो उसको लॉस होते जा रहा है पांच रुपए एक सौ पांच रुपए दो सौ पांच रुपए तीन सौ पांच रुपए चार सौ पांच रुपए एंड इट कैन गो ऑन फाइव हंड्रेड एंड फाइव सिक्स हंड्रेड एंड फाइव सेवन हंड्रेड एंड फाइव इट कैन बी एनी अमाउंट क्योंकि उसने उल्टा चला है तो उसका प्रॉफिट सिर्फ नाइनटी फाइव रुपीज है लेकिन लॉस बढ़ते जाएगा अगर मार्केट ऊपर गया तो तो साची ने क्या किया था कॉल लॉन्ग किया था और मिस्टर एक्स ने क्या किया है कॉल को शॉर्ट किया है मतलब कॉल को बेचा है उल्टा चला वो उसके हिसाब से साची का जो प्रडिक्शन है वो गलत है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा मार्केट नीचे जाएगा तो उसने पुट खरीदने के जगह पे क्या किया कॉल को राइट right किया कॉल को राइट right किया मतलब कॉल को बेचा उल्टा तो उसका प्रॉफिट अगर मार्केट सच में नीचे जाता है तो उसका प्रॉफिट 95 फाइव से ज्यादा नहीं होगा लिमिटेड प्रॉफिट लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है इट कैन बी फाइव रुपीस हंड्रेड एंड फाइव टू जीरो फाइव थ्री जीरो फाइव फोर जीरो फाइव और एनीथिंग तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉन्ग कॉल इट इज शॉर्ट कॉल कंसेप्ट बेटा समझ में आया क्या बेटा लोग मेरे को बहुत चिंता हो रही है जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है कल का वीडियो भी प्लीज अच्छे से देखिएगा नहीं तो आने वाले चीजें भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि इसके अगला चैप्टर भी ऑप्शंस के ऊपर ही है और मेरी रिक्वेस्ट है मैं फिर से बोलूंगा कि प्लीज आप लोग रेगुलर लेक्चर्स आइए साची ये कंसेप्ट समझ में आया दैट इज लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट कॉल पायल समझ में आ रहा है अब अगले तीन चार कंसेप्ट भी बेटा यही है आगे का कंसेप्ट देखिए आगे का कंसेप्ट है लॉन्ग पुट लॉन्ग पुट मतलब जैसे पिछली बार साची ने कॉल खरीदा था इस बार साची क्या कर रही है पुट खरीद रही है पुट मतलब मंदी पुट का मतलब क्या है मंदी तो देखो उसका टेबल क्या बता रहा है लॉन्ग पुट मतलब मैं फिर से एक्सप्लेन uh, कर देता हूं इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉन्ग अब देखो यहां पे क्या हो रहा है स्ट्राइक प्राइस सत्रह हजार पांच सौ है मनीष राय इज अ ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का मेरा ऑफिस है अचानक पायल आती है एक दिन पायल बोलती है मनीष सर मेरे को है ना हंड्रेड एंड टेन परसेंट मालूम पड़ा है मार्केट नीचे गिरने वाला है मेरे को बोलती है बताओ मार्केट क्या चल रहा है मैं बोलता हूं फाइव हंड्रेड के आसपास चल रहा है एक काम करो सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का स्ट्राइक प्राइस बेच दो क्या करो बेच दो प्रीमियम क्या चालू है मैं बोलता हूँ वन फिफ्टी रुपीज प्रीमियम चालू है तो बोले बेट वन फिफ्टी के हिसाब से बेचो अब देखो सत्रह हजार पांच सौ के ऊपर तो कुछ भी नहीं है लेकिन जैसे ही पायल ने बोला कि भाई मार्केट गिरने वाला है और मार्केट सच में गिरने लगता है सत्रह हजार चार सौ हो गया डेढ़ सौ रुपए उसने खर्चा किए थे मार्केट से उसको सौ रुपए मिल गया तो उसका लॉस अभी भी पचास रुपए है जैसे ही मार्केट और गिरता है सत्रह हजार तीन सौ हो जाता है डेढ़ सौ उसने खर्चा किया था दो सौ रेट हो गया रेट जैसे ही दो सौ हुआ पचास रुपए प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया पायल ने रेट और कम हो गया सत्रह हजार दो सौ हो गया जैसी रेट सत्रह हजार दो सौ होता है मार्केट रेट तीन सौ रुपए हो गया उसका डेढ़ सौ रुपए का तीन सौ रुपए हो गया तो डेढ़ सौ रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि डेढ़ सौ रुपए उसने खर्चा किया था मार्केट और गिर गया सत्रह हजार एक सौ मार्केट इधर हो गया चार सौ पॉइंट मतलब चार सौ रुपए का हो गया जो डेढ़ सौ रुपए प्रीमियम चल रहा था वो तो डेढ़ सौ रुपए से चार सौ रुपये हो गया चार सौ रुपए में से डेढ़ सौ रुपए हटाओ ढाई सौ रुपए प्रॉफिट ये कब प्रॉफिट कमाएगी पायल जब मार्केट नीचे आएगा क्योंकि उसने पुट खरीदा है पुट मतलब मंदी उसने पैसे किस चीज पे डाले हैं कि डेढ़ सौ रुपए लो सर मार्केट नीचे जाएगा तो उसने डेढ़ सौ रुपए डाले और जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वो प्रॉफिट कमाते जा रही है लेकिन पायल ने बोला सर मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट ऊपर जाने लग गया अब देखो ऊपर जा रहा है जितना भी ऊपर जाए पांच सौ 17,000, सौ सत्रह हजार सात सौ सत्रह हजार आठ सौ उसका मैक्सिमम लॉस कितना है डेढ़ सौ रुपये क्योंकि तो वो सही रास्ते पे चल रही है सही रास्ता मतलब उसने पुट बाय किया है पुट लॉन्ग किया है उल्टा रास्ता मतलब राइटर जो होता है वो उल्टा चलता है जिसका अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन पायल ने इधर क्या किया पुट को खरीदा है पुट अगर खरीद रही है पुट खरीदना मतलब मंदी बाय करना मतलब जैसे ऐसे मंदी आएगी जैसे ऐसे मार्केट नीचे गिरेगा वैसे वैसे पायल प्रॉफिट कमाते जाएगी तो देखो आप चार्ट में दिख रहा है टेबल में दिख रहा है जैसे ऐसे आप नीचे जा रहा है मार्केट वैसे वैसे पायल कमाते जा रही है और सबसे आखिरी है शॉर्ट कर रहा है पुट शॉर्ट करना पुट को शॉर्ट करना मतलब उल्टा चलना राइटर अगेन उसका अनलिमिटेड लॉस है और लिमिटेड प्रॉफिट है लास्ट वन ओवर ये टेबल देखेंगे अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा तो डेढ़ सौ ही होगा लेकिन लॉस होगा तो हो सकता है पचास हो हो सकता है डेढ़ हो हो सकता है ढाई सौ हो या और ज्यादा हो तो मैं चाहूंगा कि बेटा अप टू दिस पर्टिकुलर टेबल आप लोग घर पे आराम से एक बार रीड कीजिएगा कल लेक्चर में आने के पहले आई एम रिपीटिंग कल लेक्चर में आने के पहले जिनको प्रॉब्लम है जो पिछले लेक्चर्स में नहीं आए थे वो कल का लेक्चर एक बार सुने आज का लेक्चर फिर से सुने तो आपको बेटा हर चीज समझ में आएगी गारंटीड क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत स्लो चल रहा हूं फिलहाल वो तो आज हम लोग ने क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है इसके लिए आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट गए नहीं तो बाकी इट इट इज वेरी स्लो तो आई वुड बी रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरी वन सबको रिक्वेस्ट करूंगा कल का वीडियो अच्छे से देखो कल के वीडियो के बाद कल ही हम लोगों ने शेयर मार्केट निफ्टी भी देखा था निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हम लोगों ने पेज खोल के उसमें निफ्टी मैंने समझाने की कोशिश की थी कैसे देखते हैं ठीक है तो कल का बेटा अच्छे से वीडियो देखो एक बार दो बार और अच्छे से समझ में आएगा फिर आज का वीडियो देखोगे तो ये सब कंसेप्ट बहुत ज्यादा ईजी है तो so, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग मानिए और अगेन uh, मैं चाहूंगा कि uh, पायल आपके पास नोट है अवेलेबल फिजिकल वेरी गुड पायल बेटा मेरे को यह बताओ yes, sir. तो इसके, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है रिस्क एंड रिटर्न पोर्टफोलियो प्रोफाइल ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है लेवरेज yes, आ रहा है फिर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का डिस्टिंग है फिर ऑप्शन प्राइसिंग फंडामेंटल्स उसमें ये सब चीजें हम लोग पहले देख चुके हैं फिर से आ रहा है लेकिन पेज नंबर फिफ्टी नाइन से फिर टेक्निकल चीज आना चालू हो जाएगी आप नीचे की तरफ आइए ऑप्शन ग्रीक्स के तरफ ऑप्शन ग्रीक्स के तरफ आइए पेज नंबर फिफ्टी नाइन नीचे की तरफ आप देखो डेल्टा आएगा गामा देल्टा आएगा, देल्टा। आएगा वेगा आएगा रो आएगा बाइनोमल प्राइजिंग मॉडल आएगा ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल आएगा ये सब थोड़ा सा बेटा टेक्निकल है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कल का वीडियो आज का वीडियो दोनों आप बहुत अच्छे से देखिए तब जाके कल समझ में आएगा ये चैप्टर खत्म होने के बाद अगला चैप्टर फिर से ऑप्शंस पे है तो जब तक आपका ये ऑप्शन क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आपको समझ में नहीं आएगा तो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड ये सब देखिए कल मिलते हैं ठीक है चिल्ड्रेन बाय हैव अ गुड टाइम थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू बाय बाय